रात की चादर कहीं। देख लीजिए फ्रेंड्स, मैंने बनाया है आज छोले। सॉरी फ्रेंड्स, मैं आज इसकी रेसिपी। हेलो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। और देख लीजिए, मैं आपके साथ न्यू वीडियो शेयर कर रही हूँ। और मैं क्या कर रही हूँ, बहुत ज़रूरी काम, देख लीजिए। तो सारी बातें मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि ठीक है कि नहीं। फ्रेंड्स, हमारे यहाँ पे ना पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत है, बहुत ज़्यादा दिक्कत है। तो फिर मैंने बहुत दिनों से सोच रही थी ये डब्बा लाने के लिए, बहुत बड़ा डब्बा है। तो फाइनली जो सोचा था वो हो गया, डब्बा आ गया। और इसके अंदर फ्रेंड्स तेल आता है, तो अच्छे से ना इसको दो तीन बार इस तरह से ना रगड़ रगड़ के धोया, अंदर के अंदर से बाहर से अच्छे से धोया। और बहुत भारी भी था, बहुत मेहनत भी लगी। तो फ्रेंड्स सपोर्ट करिए, बस देख लीजिए कितनी मेहनत कर रही हूँ। और बस ऐसे ही चल रहा है फ्रेंड्स, बस ये ले लिया और बहुत ही अच्छा लग रहा है। इसको लेने के बाद ना मुझे पानी की कमी नहीं हो रही है, जैसे नहाने के लिए पानी मतलब इसमें भर लेती हूँ। हम सब नहा लेते हैं मीठे पानी से, मतलब खारा पानी तो हमारे यहाँ पर लगा ही है समर सीवर का, उससे नहाना धोना नहीं होता। आप लोगों को पता ही है कि खारा पानी हमारे शरीर के लिए, हमारे बालों के लिए कितना नुकसानदायक है, खास करके हमारे बालों के लिए। स्किन खराब कर देता है फ्रेंड्स खारा पानी, और हमारे बाल भी खराब हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं, वाइट हो जाते हैं बाल खारे पानी से। तो इसलिए मैंने खारे पानी, मैं का दिमाग ज़्यादा खराब ना करो, बस ले लो। और छोटे छोटे बच्चे हैं और मम्मी है, सभी के लिए हो जाता है पानी। तो शाम को पानी आता है तो भर लेते हैं, सुबह सुबह जितना भी आता है। हमारे यहाँ पर पानी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है यार, कभी 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 तो एक महीना तक नहीं आता। तो इसलिए फाइनली ले लिया और बहुत ही बढ़िया काम किया है। आप बताना कमेंट करके मैंने अच्छा काम किया है कि नहीं। तो मैं इनको कह रही थोड़ी सी ना हेल्प करा लूँ, तो ना ये ऐसे ही कुछ चले गए थे, तो कह रहे खुद कर लो अपने आप ही। तो देख लो कितनी मेहनत करनी पड़ती है। और यहाँ पर बच्चे बगल में बाथरूम है, यहाँ पर नहा भी रहते, तो मैंने सोचा बना लेती हूँ, शूट कर लेती हूँ, आपको दिखा देती हूँ। बहुत रगड़ रंग पड़ गया था फ्रेंड्स, तो मैं ना थक गई थी रगड़ते रगड़ते। ये देखो बहुत गंदा था, मतलब गंदा नहीं था, तेल चिपका नहीं रहता चिप चिप चिप, तो वो हो रखा था। तो बहुत रगड़ रगड़ के धोया है, बहुत मेहनत करी है फ्रेंड्स, देख रहे हैं अपना। और मैं पूरी गीली भी हो गई थी, ये देख लो आप, देख रहे हो ना पूरी गीली हो गई थी। और यहाँ बच्चे नहा रहे हैं, और ये इसके खुशी के पापा ना ये तौलिया दे रहे थे। और मैंने यहाँ पे दिखाया भी है छोटे छोटे बच्चे, मैंने सोचा आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो खुशी बोल रही थी मम्मा मैं नहला दूँ बाबू को, तो फिर मैंने बोला ठीक है बाबू नहला दो, क्योंकि जो सामने डब्बा रखा है ना इसके अंदर भी पानी भरते हैं मीठा, तो इसमें से हमने बच्चों को दे दिया था नहाने के लिए। और ये वाला मैं धो लूँगी, फिर शाम को आएगा पानी, फिर हम भर लेंगे पानी। तो सही है फ्रेंड्स, हमारे यहाँ पे सभी भरते हैं, सभी भरते हैं इसमें। तो मैंने वही देखकर मैंने कहा ले लेती हूँ यार, बाल सफ़ेद होना अच्छी बात नहीं है, स्किन ख़राब हो जाएगी मेरी बेटियों की, तो मैं क्या करूँगी, सबसे ज़्यादा मुझे बुरा लगेगा। मैं माँ हूँ, तो माँ को बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है अपने बच्चों का, तो वही मैं रख रही हूँ। थक जाती हूँ फ्रेंड्स, फिर भी मैं छोड़ती नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं छोड़ती अपने बच्चों का ख्याल रखना। कुछ भी हो जाए करना है, बच्चों को पढ़ाना है, लिखाना है, नहलाना है, धुलाना है, सब कुछ माँ को ही करना है, है ना। तो बस कोई नहीं फ्रेंड्स, चल रहा है, डब्बे की जरूरत थी ले लिया। और ये पूरा ना कटा हुआ नहीं था, ये आधा काटा है मेरे हस्बैंड ने आरी से काटा है, कट नहीं रहा था, बहुत ज़्यादा मेहनत लगी। तो उन्होंने बोला चलो मैं काटने का काम कर लेता हूँ और तुम अपना धोने का काम कर लो। तो फिर मैंने कहा ठीक है, क्योंकि उसमें भी बहुत टाइम लग गया था, काफ़ी मोटा ढक्कन था, आरी से ना कट नहीं रहा था, गर्म कर कर के काट रहे थे। ये देखो नहला के ले गई मेरी बेटी गोदी में गोदी में लेके गई मेरी बेटी, बहुत ध्यान रखती है। और मैंने सूट किया है बच्चों को, नहला रही है कितने प्यार से मेरी बेटी,
ये देखो मैं ना अंदर घुस जा रही थी पूरा साफ़ करने के लिए, वो देखो अंदर लेके गई गोदी में उठा के अपनी बहन को। दोनों बहनें बहुत प्यार करती हैं एक दूसरे को, और प्यार करना भी चाहिए फ्रेंड्स, है ना। प्यार के सिवा तो इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। और क्या बताऊँ, आप लोग तो कितने समझदार हैं। और ये वीडियो काफ़ी दिन की है तो मैं ना एडिट नहीं कर पा रही थी यार, बहुत सारी इकट्ठा हो गई हैं, तो मैंने सोचा डालती हूँ धीरे धीरे, तभी तो ख़त्म होगी। ये मेरी बेटी बहुत प्यार करती है अपनी बहन को तो वो कह रही है कि मैंने कपड़े नहीं पहन रखे और पापा ने पर्दा भी हटा दिया, तो उसने पर्दा लगा दिया यहाँ से, देख सकते हैं आप। तो यहाँ से ले जाएगी मेरी बेटी कपड़े, फिर कपड़े पहना देगी, कपड़े भी पहना देती है, मेरी बहुत हेल्प करती है। और कभी कभी तो फ्रेंड्स, अब मेरी बेटी ना 7 साल की हो गई, तो मैंने ना चाय वाय बनाना सिखा दिया अपनी बेटी को। ये देखो बच्चे नहा रहे हैं फ्रेंड्स, देख सकते हैं तो ये ना यहाँ पे रो रही है थोड़ा। तो फ्रेंड्स ये वीडियो यहीं पर मैं एंड करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कमेंट करके ज़रूर बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा। अच्छा लग रहा है, लाइक सब्सक्राइब और शेयर भी कर दें। ओके बाय।